उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कोतवाली क्षेत्र में एक व्यापारी को दुकान खाली करने को लेकर जान से मारने की धमकी दी गई है। व्यापारी ने पुलिस से जान की सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई है। मामला चौक गुरुद्वारा रोड का है। पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष मंजय सिंह व राजकुमार गुप्ता को गोलियों से छलनी करने की धमकी दी गई है। व्यापारी का कहना है कि शराब के नशे में आए दिन दुकान पर कुछ लोग आकर उसे धमकी देकर जाते हैं। मैं मंजय सिंह, हमारी गुरुद्वारा रोड में मंजय साड़ी हाउस के नाम से कपड़े की दुकान है। मैं जिला अध्यक्ष। पर्चे बता दीजिए। मैं राजकुमार गुप्ता, सोनाथ स्वर्गीय रामजी प्रसाद जापलीगंज बेदुआ, गुरुद्वारा रोड स्थित AK मार्केट में दुकान मेरी स्थित है। और ये दुकान, ये कटरा जसपाल सिंह और सरदार महेंद्र सिंह के नाम से निर्मित है। और ये दोनों लोग कटरा को बेच चुके हैं जो अवैध तरीके से। आपकी दुकान के सामने है क्या वो? हाँ, ये मेरे दुकान के सामने है। मंजय सिंह की दुकान, मेरे मंजय सिंह की दुकान अलग है और हमारी दुकान अलग है, लेकिन दोनों एक ही कटरा में संबंधित है। और दोनों का मालिक अलग अलग है, लेकिन एक मालिक चाहते हैं कि कटरा बना रहे और दूसरा जो नया निर्मित लिए हैं 11 सितंबर को जो रजिस्ट्री कराए हैं, उन्होंने अपना ये विवादित तरीके से आकर अवरोध पैदा कर रास्ता को बाधित करना चाहते हैं और अवांछित लोगों को लेकर ये डरवा धमका कर और ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और दुकान से बेदखल करना चाहते हैं। जी, ये दुकान किसकी है? ये दुकान राजकुमार गुप्ता, संजय सिंथेटिक प्रोप्राइटर राजकुमार गुप्ता की है, जो सरदार महेंद्र सिंह के कटरे में निहित है। जी, तो आपने अभी, इन्होंने बताया आपके सहयोगी ने, हमने हाई कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट से क्या निर्देश मिला? हम लोग हाई कोर्ट नहीं गए हैं, अभी यहाँ थी जिला न्यायालय से हम लोग का थी आस्थगन आदेश पारित है और इसके बाद कमीशन का रिपोर्ट भी लगा है और उसके बावजूद भी ये लोग अवैध तरीके से इस पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और निर्माण करना चाहते हैं। और दबंग लोग आकर ज़बरदस्ती आकर डरवा धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ही कोर्ट हैं, हम ही सुप्रीम कोर्ट हैं और हम ही फैसला सुनाएंगे। और ये लोग प्रशासन को भी अवहेलना कर ये कह रहे हैं कि प्रशासन कुछ नहीं करेगी और प्रशासन हमारे जेब में है, जब चाहे तब तुमको उठा कर फेंक देंगे। जी, तो क्या अभी आपने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गए थे, कई जगह गए थे, तो क्या उनके आदेश किया आप संतुष्ट हैं या नहीं? हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाकर आज एप्लीकेशन दिया है, जिलाधिकारी के यहाँ दिए हैं, ADM के यहाँ दिए हैं, उसके बाद हम लोगों ने COCT के यहाँ दिए हैं, उसके बाद कोतवाली दिए हैं, उसके बाद SP ऑफिस दिए हैं। और इसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं होती है तो हम इसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। क्या करेंगे आगे, क्या बनेंगे? कार्रवाई में हम लोग यही करेंगे कि रोड से उतरेंगे हम लोग पूरा व्यापारी वर्ग, और रोड से उतर कर हम लोग इसके विरुद्ध में आवाज़ उठाएंगे और उसके बाद भी अगर फैसला। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सरकारी एम्बुलेंस वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे इसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं और दूरदराज से आने वाले मरीजों पर पड़ रहा है। ये धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में चल रहा है। वहीं वर्करों का कहना है कि जब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल जाता तब तक ये हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। हम लोग यहाँ पर विगत 7 वर्षों से जनपद फतेहपुर में अपनी स्वास्थ्य सेवाएं 108, 102 और ALS के रूप में प्रदान कर रहे हैं। कंपनी के द्वारा मनमानी नीतियों के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है, जिसमें से कुछ मुख्य बिंदु जो हैं इस तरह हैं कि समान वेतन वृद्धि, समान कार्य और समान वेतन वृद्धि हम लोगों को होना चाहिए, जो कि विगत 7 सालों से नहीं हुआ, जाके तिहाड़ी प्रथा को कंपनी के द्वारा समाप्त किया जाए और जो 108 और 102 के कर्मचारी हैं उनसे फर्जी केसों का दबाव बंद कराया जाए और बिना किसी पूर्व सूचना को MT पायलटों को फर्जी केस बताकर निकाला जाता है। तो इन सभी मांगों को लेकर हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। जब तक कि किसी तरीके का कोई ठोस वार्ता नतीजा नहीं निकला था तब तक हम लोगों की हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। अभी तक किसी अधिकारियों को आपने सूचना दी? जी हाँ, ये जनपद फतेहपुर में ज्ञापन के रूप में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री हनुमान पांडे द्वारा सूचना लिखित में दी गई थी। अभी CMO साहब भी आए थे, उनको भी इस बारे से अवगत करा दिया गया है और आगे का प्रारूप ये है कि DM ऑफिस में भी ज्ञापन देने का
कार्यक्रम बना है और साध्वी निरंजन ज्योति जी को भी यहाँ पर आने का प्रस्ताव दिया गया है। तो ये हड़ताल कब तक चलेगी? ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है। यहाँ फतेहपुर भर में है कि पूरे केवल फतेहपुर में ही नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में है। 75-76 जो भी जिले हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक कि हमें कोई अगला आदेश प्रदेश अध्यक्ष श्री हनुमान पांडे द्वारा जी नहीं मिल जाता, तब तक हड़ताल यूं ही चलती रहेगी। क्या नाम है? अवनीश पांडे। लिए आप लोग हड़ताल पे हैं? हड़ताल हम अपने मांगों के लिए मांगों को रखने के लिए किए हैं। क्या मांग? मांग ये है कि जो हम लोग कार्यरत हैं 7 वर्ष से लगभग, ये एम्बुलेंस 108 102 जो सेवा चल रही है, इसमें जो हम लोग का शोषण किया जा रहा है, जैसे कि पेमेंट और जो 12 घंटा ड्यूटी किया करवाया जाता है उसके लिए 8 घंटे, और जो भी गाड़ियां लड़ जाती है उसके लिए भी पायलट को टर्मिनेट कर दिया जाता है, ऐसे तमाम प्रकार की समस्याओं को लेकर हम लोग हड़ताल पे हैं। अभी किसी को सूचना दी है कि? सूचना है सभी को, मतलब कि अपने अधिकारियों में, जैसे CMO साहब को हैं और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मतलब जिले पे सभी को सूचना दी। CMO साहब से कोई आश्वासन मिले कि नहीं? आश्वासन अभी तक नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला। क्या नाम है? इंद्रमोहन यादव। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने चाय के दुकानदार पर गोली से हमला कर दिया। आपको बता दें, गोली दुकानदार की कनपटी को छूते हुए पानी की टंकी में जा घुसी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को CSC में भर्ती करा दिया है। वहीं इस मामले की जांच करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जुटी है। जयपुर के दौसा जिले में नेशनल हाईवे 21 पर सोमवार रात को उस समय बड़ा हादसा हो गया जब एक बेकाबू ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को ही कुचल दिया। मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस की गाड़ी बालाजी मोड़ पर खड़ी हुई थी। इस दौरान बेकाबू ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुलिस की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में मेहंदीपुर बालाजी थाने के 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं एक ठेला लगाने वाला भी घायल हुआ है। एक तरफ देश और प्रदेश की सरकार लगातार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर समाज में बेटियों के खिलाफ आज भी अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला मेरठ का है। मेरठ थाना जानी क्षेत्र के दलुहेड़ा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां विकलांग बच्चे के पैदा होने पर महिला को उसकी महज 7 माह की बच्चे के साथ घर से बाहर निकाल दिया। महिला की बहन और भाई आज SSP ऑफिस पहुंचे और अपनी आप बीती सुनाई। क्या हुआ है, कौन है ये बच्ची? ये बच्ची मेरी बहन की है, मेरी बहन का पैदा हुई है 7 वर्षीय, अब बड़े ऑपरेशन से इसके आज मेरी बहन के पति ने बोला कि मैं आ रहा हूँ एडमिट कर दो। हमने एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में और लड़की पैदा हुई विकलांग पैदा हुई। तो हम उसके घर गया, फोन किया कि तुम्हारी लड़की पैदा हुई विकलांग, तो उन्होंने कहा कि मैं इस लड़की को नहीं रखने का, लड़की में कमी है, जो लड़की ऐसी पैदा करी हम लेके नहीं आने का, फेंक दो, हमारे किसी काम के नहीं है। तो आज आप SSP से मिले, क्या कहा? SSP ने अप्लीकेशन ला कर ठा के रख ली, कह देगा ना कल को वहाँ पहुँच जाना थाने, जानी थाने। आपका लड़का रहने वाला? आज क्यों आया कप्तान? मैं कप्तान के पास ही आया, लड़की हुई है 3 दिन हो गए लड़की को, लड़कियों को मैं से भर्ती करना आया था, बच्चा था, बहन हमारी घर ही रह रही है। तो ये लड़के को लड़का कह रहा है कि मैं लड़के को लेना आऊँगा, आता है नहीं, कई दिन से बका रहा। पिताजी ने घर जाकर हमने परसों बात करी थी प्रधान से, तुम लड़के को क्यों नहीं लेकर रहे? तो प्रधान ने कह रहा हमारा कोई रोल नहीं है, लड़के को मार दो, विकलांग पैदा हुई तो क्या करेंगे। प्रधान ये कह रहा था कि लड़के। यूपी के जहांगीराबाद में श्री जनता आदर्श रामलीला कमेटी के द्वारा श्री रामलीला मंचन नगर के टाउन स्कूल के मैदान में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि क्षेत्र के विधायक संजय शर्मा व चेयरमैन डॉक्टर सूरज भान माहुर ने फीता काट व मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर कमेटी के पदाधिकारियों ने माला डाल व शॉल उड़ाकर मुख्य अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। सर, रामलीला मंचन क्यों मनाया जाता है? रामलीला हमारे देश की जो सनातन परंपरा है, जो रामायण और रामचरितमानस के द्वारा हम पूरे देश के लोग देशवासी सीखते हैं, और भगवान राम जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है उनके जीवन का अनुकरण करने का सब लोग प्रयास करते हैं, उसी का मंचन है। हर साल हम लोग इस अवसर पर पूरे देश में रामलीला का आयोजन किया जाता है, ताकि हमारी जो संस्कृति है वो निरंतर अनवरत हर समाज में रहे और लोग उसका अनुकरण करें।
विकासखंड चिलकहर अंतर्गत ग्राम सभा बीराभाटी की ग्राम प्रधान पार्वती देवी ने जिलाधिकारी भवानी सिंह खागरोत को पत्र देकर गांव के ही एक दबंग युवक पर पैसे मांगने और जान से मारने के आरोप लगाया है। प्रधान का कहना है कि उक्त व्यक्ति विकास कार्यों में अक्सर बाधा उत्पन्न करता है और बार बार पैसों की मांग कर रहा है। पैसा न देने पर मानसिक रूप से उत्पीड़न करता रहता है। यही नहीं, विभाग का फर्जी पत्र बनाकर यूनियन बैंक का खाता भी बंद करा दिया है। उक्त व्यक्ति अपराधी किस्म का है जो गोल गिरोह बनाकर लोगों को डराने धमकाने का काम करता है और इसी दम पर लोगों से अवैध वसूली भी करता है। प्रधान ने जिलाधिकारी से उक्त व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। मैं चंचल कुमार गोण ग्राम प्रतिनिधि हूँ जी। क्या ये विद्यालय में सुनने में आया किसी शौचालय में दरवाजा नहीं है, कुछ नल नहीं है? शौचालय का सब काम हो गया है, नल तो आएगा मिस्त्री बोले हैं बनाने के लिए और दरवाजे के लिए दे दिया गया ऑर्डर, वो बन रहा है दरवाजा का? जी ठीक है, ये तो आप दरवाजा बनने के लिए दिए हैं? हाँ, दरवाजा बनने के लिए ऑर्डर दे दिए। कितने दिन में लग सकता है वो? एक हफ्ता या 10 दिन में शायद लग सकता है। चार दरवाजे बनाने में समय भी तो लगेगा। आइए, मैं चंचल कुमार गोंड ग्राम सभा बीरा भारती, पिताजी के नाम श्री भूरा गोंड, माता जी पार्वती, ग्राम प्रधान है और मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ जी। क्या मामला है, आप जिलाधिकारी कार्यालय पर आज आए हैं जी? सुजीत कुमार सिंह हमारे गांव के हैं, बहुत दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। 4 साल तक मेरी माताजी के साथ मिलकर वही ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रहे और ग्राम प्रधान कार्यों को देखते थे और जब मुझे इसकी खबर मिली तो मैं देखने लगा तो मुझे मारने की धमकी देने लगे, सारा हम लोगों का पैसा लूट लिए और तरह तरह की गालियाँ देने लगे और बोले कि जान से मार दूँगा जी। तो आज आपने जिलाधिकारी महोदय के आए हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या हुआ आज? आज हम जिलाधिकारी, इससे पहले भी आश्वासन दिए थे कि उस पर गुंडा की कार्रवाई की जाए पर थाने से कोई हमें